कहता हूँ भला हो ही है, क्यों कही दे तो पूरे समाज के तू ठेकेदार बनना है, तो हम सब अपने मन के राजा है। तो आप सभी लोग जिस तरह से जहाँ कहीं भी जगह मिल रहा है, आप लोग वहाँ खड़ा होकर के हमारी बात सुन रहे हैं और जो यहाँ पर बैठे हैं। सिर्फ 3 दिन बाकी है सर, जनता ने कैसा आपको रिस्पॉन्स दे रहा है सर? जनता का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है, जनता खुल के समर्थन दे रही है और जनता बदलाव चाहती है। जनता ने ठान लिए अब की बारी कांग्रेस की पारी। कोपरी विधानसभा में क्या काम पेंडिंग है सर? क्या काम हुआ है कोपरी में? कोपरी 5 बखाड़ी में एकनाथ शिंदे साहब ने कौन सा ऐसा काम किया है? और अरे आपको बताऊं मैं साहब, यहाँ से 1 किलोमीटर पे एक रायला देवी तालाब है, जो तालाब 1996 में माननीय बाबा साहब ठाकरे साहब ने उसका भूमि पूजन किया था, आज तक वैसा ही है जैसा वो था। तो आप मुझे बताइए, जो इंसान अपने पार्टी के नेता का, सुप्रीमो का सपना साकार नहीं कर सकता है, वो हम लोगों का क्या सपना साकार करेगा? आम पब्लिक का सपना क्या साकार करेगा? उन्होंने विकास किया है लेकिन खुद का किया है? देखो आपको दिख रहा है ना, ट्रैफिक जाम है, सब तकलीफ है, पार्किंग का मसला है, पानी की किल्लत है, कस्टर का झोल है, और कितने झोल है कि 58 PILs पेंडिंग है हाईकोर्ट में, कमिश्नर की इंक्वायरी चल रही है, सब चल रही है। अभी एक बार कॉर्पोरेटर है और जनता का समस्या मालूम है, और अभी आप जनता ने एक बार आपको अवकाश दिया तो क्या क्या कर सकते? क्या कर सकता हूँ? पहली बार तो मैं विधायक बनने के बाद पहला मेरा प्राइवेट रजिस्ट्रेशन मंजूर करके लूंगा हाउस से, कि जनता की कोर कमेटी बनेगी जिसमें 7 महिलाएं होगी, 7 पुरुष होंगे, 2 पत्रकार रहेंगे, 2 डॉक्टर रहेंगे, 2 इंजीनियर रहेंगे, 2 वकील रहेंगे, और इनसे संगठन बन के, ये समिति बन के, उसका जो अध्यक्ष रहेगा वो भी पब्लिक में से रहेगा, विधायक नहीं रहेगा। इससे एक बढ़िया काम होगा कि जो भ्रष्टाचार है, जो घूस खाने की आदत है, वो कम हो जाएगी। जनता से मेरी अपील है कि 100% या 100% के आसपास अपन वोटिंग के लिए पहुंचे, तो इससे यह होगा कि अपनी भड़ास निकलेगी, वो मतपेटी में निकलेगी, और जो प्रस्तापित है, जो एकाधिकार शाही है, जो एक छत्री अमल है, जो दहशत है, उसका अंत हो जाएगा, विकास की शुरुआत हो जाएगी।